ये देखिए कितना स्पॉन्जी डोसा है और कितना इजीली ये टूट जा रहा है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ये डोसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सूजी या रवा से बनने वाले डोसे की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है बनाना। इसके साथ ही मैंने इसमें एक चटनी बताई है जो घर की बेसिक चीजों से बनती है और इस डोसे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप अपने ब्रेकफास्ट में इसे कभी भी बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सूजी के स्पॉन्जी डोसे। यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब हम इसमें एक कप रवा डाल देंगे। तो ये बारीक वाला रवा है जिससे हम हलवा बनाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये रूम टेम्परेचर पर पानी है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे कि जो हमारा रवा है वो अच्छे से फूल जाए। तो अभी इसमें हम और पानी डालेंगे। तो चाय वाले कप से हमने 1.5 कप पानी डाला है इसमें। रवा हमारा अच्छे से भीग चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर फूलने देंगे और इसे साइड में रख देंगे। और अब हम लेंगे यहाँ पर पोहा। तो जितना हमने रवा लिया है उससे 1/4 हम पोहा लेंगे। पोहे को अच्छे से पानी डालकर क्लीन कर लेंगे। पोहे को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो पोहे के लेवल का हम इसमें पानी मिला देंगे और इसे भी हम फूलने देंगे। जब तक ये फूलेगा तब तक हम एक चटनी प्रिपेयर करेंगे। चटनी बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें 15 से 20 मूंगफली के दाने डालेंगे और 2 हरे मिर्च डालेंगे। तो तीखा आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट रख सकते हैं। तो हमने इसमें जो मूंगफली के दाने डाले हैं वो साबुत डाले हैं, इनको हमने भूना नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसमें प्याज डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे। सो चटनी हमारी बहुत अच्छे से एकदम बारीक पिस गई है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। चटनी को हमने एक बोल में निकाल लिया है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। एक तड़का पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई के दाने। तो ये छोटी वाली राई के दाने हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग, थोड़े से करी पत्ते। तो ये सूखे हुए करी पत्ते हैं, आप फ्रेश करी पत्ते भी डाल सकते हैं। और जैसे ही ये करी पत्ते थोड़ा सा भुन जाएंगे इनको हम हल्का सा चला देंगे। तो गैस को हम बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद हम इसमें 2 साबुत मिर्च डाल देंगे। तो एक मैं छोटी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ और एक हरी मिर्च। मिर्च मैंने लास्ट में इसलिए डाली है जिससे कि ये मिर्च जले ना। तड़के को चटनी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा पोहा है वो अच्छे से फूल चुका है और जो हमारा रवा है वो भी अच्छे से फूल चुका है। इसे रखे हुए हमें लगभग 10 मिनट हो गए थे। अब हम वापस से एक मिक्सिंग जार लेंगे। तो थोड़ा बड़ा वाला जार लेंगे हम मिक्सर का और उसमें जो हमारा रवा है उसको डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें फूला हुआ पोहा डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा और 3 टेबल स्पून दही। तो ये एकदम सादा दही है, आप अगर खट्टा दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 ही चम्मच डालें। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जरा सा पानी मिला देंगे जिससे इसे पिसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इसे बंद करके हम एकदम बारीक पीस लेंगे। तो बैटर हमने अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए कितना स्मूथ पिस चुका है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। मिक्सिंग बोल में निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो आप बेकिंग सोडा की जगह इनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे और एक बार आप बनाने से पहले नमक टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा नमक और ऐड कर लें। इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और जो हमारे डोसे हैं उनको बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पर एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक नैपकिन की हेल्प से इसे चारों तरफ फैलाएंगे। तवा जैसे ही गर्म हो जाएगा अब हम इसमें 1 चम्मच भर के जो हमारा बैटर है उसको डालेंगे
और इसे फैलाएंगे, तो इसे एकदम पतला नहीं फैलाना है, हल्का सा मोटा रखना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे। तो मैं इसे इतना ही फैला रही हूँ, इसकी थिकनेस हम इतनी ही रखेंगे और इसे पकने देंगे। तो ये देखिए, ये चारों तरफ से सिक रहा है और इसकी यही निशानी है कि ये ऊपर से जब सिकता है तो इस तरीके से थोड़ा सा सूख जाता है और इसमें इस तरीके से होल्स हो जाते हैं। तो आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये चारों तरफ से सिक चुका है, इसमें कहीं से भी हमें ये कच्चा नहीं लग रहा है। और डोसी को हम एक ही तरफ से सेकते हैं, दोनों तरफ से नहीं सेकते, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पलट के भी सेक सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसे आपको दोनों तरफ से सेकना है तो आप दोनों तरफ से भी सेक सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और आगे के जो डोसे हैं वो भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये जो दूसरा डोसा है इसको मैंने दोनों तरफ से सेका है, तो आप इस तरीके से भी इसे सेक सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे स्पॉन्जी डोसे बनकर तैयार हो गए हैं। हम इसे अपनी बनाई हुई चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। और एक बात और, यहाँ पर मैंने चटनी में कोकोनट का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कई बार घर पे कोकोनट नहीं होता है, लेकिन अगर आपका टेस्ट है और आप डालना चाहें तो थोड़ा सा कोकोनट भी आप इसमें डाल सकते हैं। एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।